बेंस का प्रदर्शन राजनीतिक स्टंट, कहा भाजपा नेताओं ने। 14 अक्टूबर को 33 किसान यूनियन नेताओं की भाजपा नेताओं से होगी बैठक। आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के निवास स्थान पर लोक इंसाफ पार्टी के प्रदर्शन के बाद तरुण समर्थक और भाजपा नेताओं ने इस प्रदर्शन को राजनीतिक स्टंट बताया। भाजपा नेता सरबजीत सिंह शेंटी व पिंकी ने कहा कि लोक इंसाफ पार्टी अपनी साख बचाने के लिए किसानों को गुमराह करने की राजनीति कर रही है, जबकि 3 कृषि कानून किसानों के हक में है। उन्होंने कहा कि 33 किसान यूनियन के नेतागण 14 अक्टूबर को दिल्ली में भाजपा नेताओं से मीटिंग कर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जबकि विपक्षी पार्टियां भोले भाले किसानों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। आज देखो जी, सवेरे एक लोक इंसाफ पार्टी दे लीडर ने, जेडे एमएलए ने अपना सिमरनजीत सिंह बैंस, जिन्हां ने साडे बहुत ही सत्कारयोग भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री श्री तरुण चुग जी के घर के बाहर धरना लाया, और मेरे ख्याल बैठे अद्धा घंटा ही ने सारे, ज़्यादा नहीं बैठे, क्योंकि मेरे ख्याल वो आए थे सिर्फ प्रेस नूं नाल लैके आए थे, अद्धा घंटा बैठ के तो उठ के बाद चले गए। मैं तुहानूं तुहाडे चैनल के माध्यम राही ये दसना चाहुंदा वां भी साडे बहुत ही सत्कारयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, मैं उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं कहांगा प्रधान सेवक कहांगा, उन्होंने एको ही नारा सानू दिता है, एक ही नारा, किसान प्यारा। सानू किसान सब तो ज़्यादा प्यारा है। जिहड़ा बैंस साहब ने सवेरे धरना दिता है, मैं बैंस साहब नूं इह समझाउणा चाहुंदा वी बैंस साहब ये झूठी राजनीति ना करो, किसान साडा भोला है, किसानां नूं वरगलाउणा ये जिहड़े बिल ने किसानां दे हक च ही ने, जिहड़े ऑर्डिनेंस पास होए ने ये किसानां दे हक च ही पास कीते ने। जे तुहानूं कोई इतराज़ है इत्ते ते इस तरह बीजेपी दे लीडरां दे बाहर ना धरने दिओ, किसानां दे नाल जाके बैठो, जिहड़े तुहानूं राजनीतिक पार्टियां नूं मूँह नहीं लाउणा चाहुंदे। तुसीं एक गल नोट कीती है भी किसान राजनीतिक पार्टियां नूं मूँह नहीं लाउणा चाहुंदे, पिछे जे उन्होंने एक बड़ी वड्डी कॉन्फ्रेंस कीती है और उन्होंने पहले इश्तिहार लाए ने भाई कोई राजनीतिक पार्टी इत्थे साडी स्टेज ते ना आवे। मैं इस करके तुहानूं इह कहना चाहुंदा वां भी साडी पार्टी हर वेले किसानां दे नाल खड़ी है, खड़ी सी और खड़ी रहेगी। और मैं तुहाडे चैनल दे माध्यम राही एक होर गल दसना चाहुंदा भी 14 तरीक नूं जिहड़ियां पंजाब दीआं 33 जथेबंदियां ने किसानां दीआं, उन्हां दा एक एक आगू अपना शाम नूं 4 बजे दी मीटिंग है जी, उहदे विच किसानां नूं पूरी कोशिश कीती जाएगी बई ये बिल जिहड़े ऑर्डिनेंस पास होए ने तुहाडे हक दे विच पास होए ने, एवें राजनीतिक पार्टियां दे मगर ना लगो। कोई ट्रैक्टर ते बह के सोफे ते चढ़ के राजनीति कर रहा है, कोई लीडरां दे घरां दे बाहर जाके राजनीति कर रहा है। इस करके मैं राजनीतिक पार्टियां नूं भी हाथ जोड़ के बेनती करदा वां, किसानियां किसानां नूं वरगलाउणा, किसानां नूं भी बेनती करदा वां भी रेल दीआं पटरियां ते ना बैठो, किसान दा काम खेत विच वाही करना है, पैलियां वाहुणा है, अन्न पैदा करना है, क्योंकि किसान ही साडा अन्नदाता है और अन्नदाता किसान ही रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी किसानां दे नाल बिल्कुल खड़ी है, खड़ी सी और खड़ी रहेगी। कौमी महामंत्री तरुण चुग जी के निवास स्थान का अज घिराव किया सिमरनजीत सिंह बैंस ते लोक इंसाफ पार्टी के कारकुनां ने। लोकतंत्र च सब नूं अधिकार है अपनी गल रखण दा, लेकिन मैं इत्थे प्रश्न उठाना चाहना कि इन्ना संवेदनशील मुद्दा किसानों का, ये उत्ते तुसीं इह सड़क छाप राजनीति ना करो। तुसीं अगर बहुत ही हितैषी, ज़्यादा हितैषी बनते हो किसानों के, तो तुसीं जिहड़ी केंद्र सरकार ने सद्दा दिता अपना डेलीगेशन लैके उत्थे जाओ, उत्थे गलबात करो, वो तुहाडे हर समस्या का समाधान करनगे। जिथों तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, साडे कौमी महामंत्री तरुण चुग जी ने स्पष्ट किया कि किसान साडे वास्ते राजनीतिक रोटियां सेकण दा औजार नहीं, किसान साडे वास्ते भगवान है, असी किसान नूं भगवान मन्निया, 135 करोड़ देश की जनता का ढिड भरन वाले न, असी हमेशा उन्हां दा सम्मान किया और अज भी असी कटिबद्ध हाँ, प्रतिबद्ध हाँ कि किसानां नूं उन्हां दे मनां दीआं जिहड़ियां शंकावां मैं उन्हें दूर करांगे। आगामी 14 तरीक नूं केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने जिहड़ी मीटिंग सद्दी है, उत्थे सारी यूनियनां दे प्रतिनिधि जाण, उत्थे जाके अपनी गल करन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट करता है कि साडे मन च किसानां दे प्रति बड़ी श्रद्धा।